और दोस्तों ये जेसीबी आज काम करके आया था। तो ये अभी यहाँ में जेसीबी एक गाड़ी फंसा हुआ है कमिटी का बस, तो वो बस के लिए बस के लिए मैं अभी किसी को टांग लूँगा, टांग के लिए ना उधर से गाड़ी भी आ रहा है। रात का टाइम मैं काम से आ रहा था तो ये बस रास्ता में जालू की बस दिमापुर से आया हुआ, जालू की बस फंसा हुआ है। आप लोग वीडियो देखते रहना, वीडियो बना भी दे ला। हाँ तभी भी बस शिवरा तक से बकेट पर चलो ना कि गाड़ी भी बहुत आ रहा है, गाड़ी ज्यादा आ रहा है। रात हो गया, गाड़ी ज्यादा है, सब फंस जाने के लिए आ रहा है। अभी गाड़ी फंस गया, पता नहीं थोड़ा कैपसाइट हो गया ये बस। तो अभी मैं काम से आ रहा था, जिससे अभी थोड़ा काम के मैं थोड़ा मदद कर दूंगा। सब घर जाने वाला ये सब दिमापुर से आया होगा ना शायद, मणिपुर से आया वो। ये जालू की तो दिमापुर पास है, लेकिन मणिपुर से आया है इन लोग। तो यहाँ में फंस के सब बैठा हुआ है, सब टेंशन में है। ये हम लोग का पुंगलो बस भी है ना। हाँ पुंगलो बस भी है, ये हम लोग का पुंगलो बस भी है, आगे बैठा है यहाँ में ये। तो इसको ऊपर रखो, ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा। देख लो जेसीबी का उस्ताद, छोटा है रस्सी थोड़ा खटा है, लेकिन शायद सकेगा भी नहीं, देखिएगा। ये साइड से बांधना चाहिए था रस्सी, इन लोग भी दूसरा साइड से बांधना है। पूरा कमजोर है ना अभी भी। ज़्यादा कैपसाइट हो गया बस तो ज़्यादा कैपसाइट हो गया। अभी ज़बरदस्ती करने से भी पलटी खाने का चांस है ना, तो फिर भी क्या करेंगे, ऐसे भी छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकता है, करना तो पड़ेगा। ये रस्सी का ताकत होगा ना, नहीं पता नहीं क्या मालूम। पूरा डबल नहीं किया रस्सी भी। रस्सी टूटने का चांस है, ये रस्सी तो टूट जाएगा, तो ये रस्सी से नहीं होगा, ये रस्सी से नहीं होगा। रस्सी नहीं तो चेन लेके आना पड़ेगा। हाँ ये रस्सी से तो नहीं होगा, ये रस्सी से नहीं होगा। तो अभी रस्सी छोटा हो गया, चेन लेके आना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा रस्सी लेके आना पड़ेगा। आप लोग के पास बड़ा रस्सी नहीं है ना। नहीं। तो अभी वो क्या करें, अंकल को फ़ोन करके या किसी को फ़ोन करके रस्सी तो लेके आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा ना।
इसका मतलब। ठीक है, ये गाड़ी जब तक निकलेगा तब तक के लिए आप लोग